हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। बस सामने आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये है ब्रेजा सीएनजी। एकमात्र सीएनजी कार है जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर आती है। इस सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ ब्रेजा जो है सीएनजी के अंदर आती है। और इस गाड़ी के अंदर जो इंजन मिलता है ना भाई, काफ़ी बढ़िया इंजन मिलता है। पेट्रोल के अंदर काफ़ी बढ़िया है, बट सीएनजी के अंदर भाई मारुति की जो गाड़ियाँ होती हैं ना सीएनजी में, काफ़ी अच्छा खासा जो परफॉर्म करती हैं। तो वही चीज़ ना इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगी। SUV गाड़ी मिल जाती है और CNG वाला माइलेज मिल जाता है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली। खैर, इस गाड़ी की अगर प्राइस की बात करूँ तो 10,60,000 रुपये की आपको एक्सशोरूम पड़ती है। VXI CNG वेरिएंट है ये, और नॉर्मल VXI आपको जो है 9,64,000 की पड़ जाएगी। बाकी 96,000 का आपको जो डिफरेंस मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। और फ्रंट लुक इस गाड़ी का कुछ ये दिएगा, काफ़ी अच्छा खासा लुक दिया गया है। यहाँ पर आपको जो कुछ एक्सेसरीज भी इस गाड़ी के अंदर लग रही हैं, जैसे कि आप ये स्किट बैग देख सकते हैं, ये सिल्वर ट्रीटमेंट यूज़ करा गया है, क्रोम ट्रीटमेंट यूज़ करा गया है। तो ये जो है सब एक्सेसरीज का ही पार्ट है, जैसे ये क्रोम गार्निश, तो ये जो है अलग से एक्सेसरीज का पार्ट है। 50,000 की इसमें एक्सेसरीज लगी हैं। ठीक, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, बट ये हेलोजन के अंदर है, नीचे कोई भी फॉग लैम्प्स नहीं दिया गया। इंडिकेटर पार्किंग बल्ब आपको यहाँ मिलता है, यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट, ये जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड कर रखी है मारुति ने LXI वेरिएंट से। तो आपको जो ग्रिल, चाहे आप LXI लो चाहे आप ZXI प्लस लो, आपको सेम ग्रिल ही मिलने वाली है, बट आपको ये चीज़ ना एक्सेसरी के पार्ट के अंदर मिलने वाली है। ठीक, नीचे कुछ लुक ये दे रखा है, यहाँ पर आपको जो मैट ब्लैक दिया गया है, और ये स्किट पेड भी भाई एक्सेसरी का पार्ट है जो आप ये देख रहे हैं। ठीक, डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की, तो डायमेंशन आपको जो मिलती है 1790 mm की विड्थ, और व्हील बेस मिलता है आपको 2500 mm का, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो है काफ़ी अच्छा जो केबिन स्पेस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो भाई ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के, अपना जो है विड्थ के बारे में, फ्रंट लुक के बारे में। बाकी आप जो है कटन क्रीसीज पे देख रहे हैं बोनेट पे, वो काफ़ी जो अच्छे दिए गए हैं। वाइट कलर के अंदर इतने विजिबल नहीं है, बट ये चीज़ जो दे रखी है ना ये, और ये जो बोनेट कुछ इस तरीके से उठा हुआ, काफ़ी मस्कुलर लुक दे रखा है इस गाड़ी का। बाकी भाई हो गई ये बात अपने फ्रंट लुक की, साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अलॉय व्हील्स इस गाड़ी के अंदर ऑफ़र नहीं करे गए हैं, व्हील कवर आपको ऑफ़र करे गए हैं। और ये आप जो क्लैडिंग देख रहे हैं ना, ये वैसे तो इसके अंदर ब्लैक कलर की आती है, बट ये एडिशनल इस गाड़ी के अंदर लगाई गई है, जो कि ये है। टायर सेक्शन की बात करूँ तो भैया अपना जो है कांग्या 215/60/16 का आपको जो रिम मिलता है, व्हील कवर ऑफ़र किया गया। बट यार आप ना अलॉय व्हील लगवा लेना, जो उसके बाद ना इस गाड़ी का जो लुक काफ़ी अल्टीमेट आता है। बाकी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल्स मिरर्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर, 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और रूफ रेस आपको जो है नहीं मिलती, शार्फिन एंटेना मिल जाता है, और ये रेन वाइजर भी आपका जो एक्सेसरी का पार्ट है, क्रोम भी जो आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। बॉडी कलर आपको जो है ए पिलर नहीं मिलता, ब्लैकआउट मिलता है। ठीक है, बी पिलर आपको ब्लैकआउट, और सी पिलर पर आपको जो क्वार्टर ग्लास दिया गया, जिसकी वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील अंदर नहीं होगा। बाकी बॉडी के अंदर आपको जो डोर हैंडल्स दिए गए हैं। ठीक, ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के साइड लुक के बारे में। बाकी फिलिंग वॉल आपको जो है यहाँ दे रखा है इस गाड़ी के अंदर, जो कि CNG का रहने वाला है। एक बार मैं आपको जो दिखा देता हूँ उस चीज़ को, तो CNG का नोजल ना आपको यहाँ की साइड दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ दे रखी है। आपको कोई भी टेंशन नहीं कि भाई यहाँ लग रहा है बाहर लग रहा है, जो कि स्विफ्ट के अंदर होता है, बट इस गाड़ी के अंदर आपको जो अंदर की साइड मिल जाता है, जो कि एक अच्छा भी लुक देता है। बाकी 55 लीटर का आपको जो है इसका CNG टैंक मिलता है, और वॉल ये रहने वाला है 48 लीटर की आपको जो पेट्रोल की कैपेसिटी दी गई है। ठीक, रियर की साइड पे आते हैं तो रियर लुक इस गाड़ी का कुछ ये दिया गया। यहाँ पर आपको जो है अपना शार्फिन एंटेना, हाई रूफ स्टॉप लैंप, रियर डिफॉगर, CNG की बैजिंग ये दे रखी है, LED टेल लैंप्स दे रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा खासा लुक देते हैं। इस गाड़ी का जो रियर लुक है ना, काफ़ी अमेजिंग है। छोटी इसको जो है रेंज रोवर भी कहा जाता है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है लुक लगता भी है। बाकी इंडिकेटर और अपना जो है यहाँ पर रिवर्स लैंप दे रखा है। नीचे आपको चार पार्किंग सेंसर, कैमरे का ऑप्शन नहीं मिलता, बट आप एक्सेसरी के तौर पर लगवा सकते हैं। ब्रेजा की बैजिंग स्पेसिंग के साथ में सुजुकी का लोगो, क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ भी यूज़ कर रखा है, जो कि एक्सेसरी का पार्ट है। स्किट प्लेट यहाँ भी अवेलेबल है, जो कि वही एक्सेसरी का पार्ट है। रिफ्लेक्टर आपको जो मिल जाते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको ये गाड़ी ख़रीदनी है तो आप जो है डीलरशिप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, TR सानी मेरठ में। आपको जो ये गाड़ी जल्दी ही डिलीवर हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी जो है स्टॉक हैगा CNG का। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, काफ़ी जो है अच्छा खासा स्टॉक है गाड़ी का CNG वेरियंट्स का। ठीक,
बाकी भाई इस गाड़ी के अपने बूट स्पेस के बात करें तो भाई कुछ ये बूट स्पेस दे रखा है इस गाड़ी के अंदर 328 लीटर का, शायद से आपको जो पेट्रोल वेरिएंट के अंदर मिलता है। और अगर मैं सीएनजी वेरिएंट की बात करूं तो भाई बस आप जो है मुश्किल से अपना एक बैग रख सकते हैं जो कि एक ड्रॉबैक है, बट अपना जो नीचे थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं तो थोड़ा सा बूट स्पेस आपको जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट आपको जो माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर आपको स्पेस और लैंप आपको नहीं मिलता। वैसे कवरिंग काफ़ी अच्छी करी गई, आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा आपको जो है मतलब कवर करा गया है। तो यहाँ पर ना कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, पार्शियल ट्रे आपको मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, ऊपर ट्रिम दे रखे जिसकी वजह से कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं है। 60-40 का भी कोई ऑप्शन अपना नहीं मिलता, आपको जो पूरी की पूरी सीट इसमें डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में, रियर लुक के बारे में। अब जो है मैं इस गाड़ी के रियर डोर के बारे में बात कर लेता हूँ। रियर डोर कुछ आपको ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर, आपको डुअल टोन ट्रिम नहीं मिलती, आपको जो सिंगल टोन के अंदर दे रखी है जो कि ब्लैक दे रखी है। यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको जो मिल जाता है, अगर ये थोड़ा सा और कलर के अंदर होता ना काफ़ी जो बढ़िया लुक मिलता, क्योंकि कहीं ना जो अंदर का लुक है ना आपको ऑल ओवर ब्लैक मिल रहा है जो कि थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कराएगा। बट यहाँ पर ग्लास दे रखा है तो अंदर रोशनी ज़्यादा देगी जिसकी वजह से भाई इतना आपको फील नहीं होगा। बाकी ये अपने जो है इसमें कवर्स भी इंस्टॉल करे गए हैं जो कि वही एक्सेसरी का पार्ट है, तो सीट कवर भी आपको इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको जो मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ अच्छा खासा आपको लेग स्पेस मिल रहा है, थाई सपोर्ट आपको जो है ठीक ठाक अमाउंट का मिल रहा है। बाकी अपना जो है ये रियर एसी वेंट्स भी दे रखे हैं, टॉयलेट का आउटपुट नहीं मिलता, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों और ये अपना दे रखा है। और यहाँ पे आपको जो है ये लैंप दे रखा है जो कि एलईडी के अंदर नहीं है, अपना जो हैलोजन के अंदर है। तीन कैबिनेट्स आपको जो मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड आपको जो है नहीं मिलने वाला। बाकी ये भी आपको ब्लैक के अंदर दिएगा, एटलीस्ट ये तो यार सिल्वर के अंदर होता, थोड़ा सा अंदर से ना इसका जो इंटीरियर है ज़्यादा ही ब्लैक कर दिया। अगर ये थोड़ा सा मतलब कोई और से भी कलर का होता ना तो और भी जो है बढ़िया लुक आता है, क्योंकि कहीं ना थोड़ा सा जो है अंदर ये ब्लैक ट्रीटमेंट ज़्यादा ही जो है दिया गया है। बाकी आपने स्पेस दे रखी है और अब जो है अभी स्पेस दे सकते हैं। तो भाई अब जो इस गाड़ी के फ्रंट डोर के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि ये रहने वाला है, उससे पहले मैं इस गाड़ी की बारे में बात कर लेता हूँ कि आपको ये मिलती है वही मारुति की तरफ से आने वाली वही की है, मतलब जो काफ़ी टाइम से आ रही है। सुजुकी का लोगो, अनलॉक का बटन दे रखा है, दोनों ही आपको जो सेंटर लॉक वाली की मिल जाती है। ठीक, कोई भी क्लच एंट्री का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे चार पावर कंट्रोल्स, ओवरएम्स आपको जो इलेक्ट्रिकल एडजस्टर, फोल्डर्स आपको जो है दे रखे हैं। ठीक, ड्राइवर ऑटो डाउन रहने वाली है और ये भी एक्सेसरी का पार्ट है भाई, ये ग्लो होता है रात के टाइम पे, तो ये भी अपना जो एक्सेसरी का पार्ट है। और अपना जो है यहाँ पे 1 लीटर की बॉडी की स्पेस और सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। वही डुअल टोन आपको ट्रिम नहीं मिलने वाली, सिंगल टोन के अंदर रहने वाला है। ये अगर सेटिन सिल्वर के अंदर होता तो और बढ़िया लगता। बाकी सॉफ्ट टच, अपनी जो हाइट एडजस्टेबल सीट्स दी गई हैं जो कि ये रहने वाली हैं। ठीक, बाकी अपना जो ये सीट दे रखी है, यहाँ पे अपना जो सीएनजी का स्विच दे रखा है जो कि आप इसे मतलब स्विच कर सकते हैं पेट्रोल और सीएनजी के अंदर। यहाँ पर आपको जो ट्रैक्शन ऑफ का बटन दे रखा है, हेडलाइट लेवलर। और अंदर बैठते हैं तो अंदर कुछ लुक इसका ये दे रखा है, क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलता, बट यार ये जो स्टेयरिंग व्हील है ना काफ़ी अमेजिंग मिलता है, कहीं ना कहीं ये जो लुक देता है ना काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। और एडजस्टमेंट की बात करूँ, टिल्ट ही मिल रहा है यार, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिल रहा, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको नहीं मिलते। अब जो इसके क्लस्टर के थोड़े से हम दर्शन कर लेते हैं, ये लगाई की, ये करा ऑन, तो भाई कलर्ड MID आपको नहीं मिलती, आपको जो है वही अपना इसके अंदर पहले से आंधी को बंद करो भाई, ये मेरे साथ हमेशा होता है भाई, बंद हो जा, हो गया बंद। हाँ अब ये AC भाई लिटरली ना ये हमेशा मेरे साथ में होता है। ठीक है, कभी AC ऑन हो जाता है, कभी ये चीज़ें ऑन हो जाती हैं। ठीक, इस पे आते हैं, तो क्लस्टर आपको ये दे रखा है, यहाँ पे आपको जो RPM मीटर, यहाँ पे आपको जो है MID जिसमें आप जो CNG और पेट्रोल में जो स्विच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर ये कलर्ड के अंदर होती तो ज़्यादा बेटर लगता। बाकी डिस्टेंस टू MT, ट्रिप भी सब आप जो है यहाँ से देख सकते हैं और CNG कितनी बची है वो भी देख सकते हैं। अगर अर्टिका की तरह ही ना इसके अंदर आ जाता ना तो और भी बढ़िया लगता, मतलब जो कलर्ड MID होती है, खैर कंपनी ने जो भी दिया सो समझ के दिया होगा। ठीक है, बट बाकी अपना जो स्पीड मीटर आपको यहाँ मिलता है,
यहाँ पर आते तो 7 इंच का कुछ सिस्टम मिलता है जो कि 4 स्पीकर के साथ में आता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब मिलता है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा खासा जो म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, स्मार्ट प्रो के नाम से शायद सही आता है, और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो इसका जो लुक इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। ठीक है, एसी वेंट आपको यहाँ मिलता है, यहाँ पर आपको जो थोड़ी सी कार्बन फाइबर की फिनिशिंग दे रखी है, सैटन सिल्वर, अगर सैटन सिल्वर देखो जैसे यहाँ दिया गया है, यहाँ भी होता ना तो थोड़ा सा और जो है प्रीमियम फील होता। बाकी ऑटोमेटिक एसी आपको यहाँ मिलते हैं, 12 वोल्ट का आउटपुट, यूएसबी पोर्ट, यहाँ पे स्पेस, गियर नॉब, 5 मिलीमीटर गियर बॉक्स, सैटन सिल्वर जो कि इस तरीके से कंटिन्यू होके इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे अपना 2 खबर स्पेस, यहाँ पे अपना जो है हैंड ब्रेक दे रखा है। फ्रंट सीट की बात करूँ आपको जो ठीक ठाक आपको कंफर्ट मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर, जो काफ़ी बड़ी बात है। अंदर थाई सपोर्ट आपको जो है अच्छा खासा मिल जाता है, क्लब बॉक्स डिसेंबर अमाउंट का मिलने वाला है, बट काफ़ी जो डीप दिया गया है। ठीक, कोड एसेट 20 मीटर की बात करें आपको दिया गया है, लैम के साथ नहीं मिलता बट आपको जो है ये दिया गया है। ठीक, माइक आपको यहाँ मिलता है, आयरिंग आपको जो है मैनुअल दिया रखा है, और अगर मैं ड्राइवर सीट की बात करूँ तो आपको जो है इसके अंदर टिकट होल्डर दिया गया है, कोई भी 20 मीटर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ड्राइवर सीट आपको जो है कोई भी 20 मीटर नहीं मिलने वाला। बाकी अपना जो है डुअल टोन डैशबोर्ड नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको जो बस सैटन सिल्वर दिया गया है। तो भाई ये बात रही ऑल ओवर गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में। सीएनजी वेरिएंट है तो आपको जो काफ़ी अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है, आपको माइलेज की अब कोई दिक्कत नहीं, और अपना जो है एसयूवी तो है ही ये गाड़ी। बाकी वारंटी की बात करूँ 2 साल 40,000 किलोमीटर की आपको जो वारंटी मिलती है, और काफ़ी जो अच्छा ये पैकेज प्रोवाइड कराती है, 10,60,000 रुपये में आपको जो है अच्छा खासा लुक मिल रहा है, अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, सीएनजी मिल जाता है, मारुति का इंजन मिल जाता है जो कि 1.5 लीटर है, काफ़ी अच्छा खासा जो है ये टॉर्क और पावर प्रोड्यूस करता है। तो आप जो सीधा इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, इंजन ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर आपको जो 1.5 लीटर मारुति की तरफ से आने वाला ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन मिलता है, जो कि सीएनजी के अंदर 86 bhp पावर प्रोड्यूस करता है और 121 nm का टॉर्क, और पेट्रोल के अंदर ये 102 bhp पावर प्रोड्यूस करता है और 136 nm का टॉर्क। सीएनजी के अगर माइलेज की बात करें तो भाई 25 प्लस आपको जो है मिल जाएगा इसके अंदर, और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो भाई पेट्रोल के अंदर सिटी के अंदर 12 से 13-14 आराम से, और हाईवे आपको जो 20-21 आराम से निकाल देगा इंजन। बाकी डिपेंड करता है कि आप जो किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, और ये 1.5 लीटर इंजन है। बाकी आपको जो सीएनजी का सिस्टम ये दे रखा है, बैटरी आपको यहाँ मिलती है, ABS यूनिट यहाँ मिल जाती है, देखिए ये रहने वाली है, ऊपर आपको इंसुलेशन दी गई है, बट यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि भाई मारुति का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन, भाई इतने रिफाइंड रहते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। बाकी जो है ये थी आपकी ब्रेजा VXI CNG वेरिएंट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।